प्रोग्राम काफ़ी तादाद से किया गया है, फ्रॉम योर बिगिनिंग, योर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर के दुमपुरजो तक किया है, तो ज़रा हमें विस्तार से बताएं कि आज का बारे में। सबसे पहले मैं MPL न्यूज़ के जरिए मेरे प्यारे दुमपुरजो के जनता लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन लोगों ने आज मुझे फुल मेजोरिटी में बड़ी तादाद में मुझे जो स्वागत किया, और जिन लोगों ने आज ताई से लेकर के दुमपुरजो तक जिन्होंने हजारों हजारों गाड़ी से हजारों बाइक से मुझे स्वागत किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और खास करके मैं हमारे राज्यों के युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल राज्य के अध्यक्ष भीमराव वागे जी को और केंद्रों के मंत्री किरण रिजिजू जी को और JP नंदा जी को, नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे दुमपुरजो में और एक बार और मुझे यहाँ में शासन करने के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल टिकट को मुझे सुना गया, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे हाईकमान से। और मैं आज
हमारे हजारों लोग मुझे जो स्वागत किया, मैं उस तादाद को देख के मैं बहुत खुशी हूँ। जीत मेरा पक्का होना चाहिए। मुझे लोग चाहते हैं कि दुमपुरजो में दोबारा मुझे विधायक बने और दुमपुरजो का विकास के लिए, दुमपुरजो का प्रगति के लिए, दुमपुरजो को और आगे ले जाने के लिए और गरीबों का सेवा करने के लिए मुझे और मौका देने के लिए लोग आज बड़ी तादाद में मुझे स्वागत किया है। आज का तो 4000 से ज़्यादा मुझे ताना हुआ है। खास करके जितना भी युवा लोग थे, महिला संगठन लोग थे और हमारा सीनियर लोग थे, आज जितना भी यहाँ पे आए हैं, आज 4000 से ज़्यादा तादाद मुझे स्वागत किया है आज। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा कि क्योंकि एक प्रकार से कहा जा सकता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक मिनी इंडिया है, जहाँ में गलो रहते हैं, जहाँ में तागिन जनजाति रहते हैं, जहाँ में निसी रहते हैं, तो यू नो दे ऑल आर आपको सपोर्ट कर रहा है, उसको आप क्या पॉजिटिव मैसेज और क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? यहाँ पे मेरा गलो समाज का भाई भी है, तागिन समाज का भाई भी है, निसी समाज का भाई भी, हम सब एक परिवारवाद है। हम आपस में कोई भेदभाव नहीं है, आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम एक दूसरे प्यार मोहब्बत का साथ में हम रहते हैं। हम अपने आप को परिवारवाद मानते हैं, हम बिल्कुल कम्युनलिज्म रिलीजन हम बिल्कुल मानते नहीं हैं। हम एक साथ अपने भाईचारा जी करके हम दुमपुरजो को एक उभरता हुआ दुमपुरजो देखना है, दुमपुरजो को सुंदर बनाना है हम सब। तो सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन, एक ये यू नो आपका अगेंस्ट में आरोप चल रहा है क्योंकि किट्स एंड कीन को ही आप जितना भी यू नो ये प्रोजेक्ट देने से, आपको ये डेवलपमेंट एक्टिविटी जो भी देने से किट्स एंड कीन को ही देता है, ये कितना हद तक सही है? ये सरासर गलत है, सरासर झूठ। आप लोग जो कह रहा है वो तो बिल्कुल झूठ है। मैंने किसी किट एंड कीन को मैंने प्रोजेक्ट दिया ही नहीं। मैंने दिया है हमारा जो दुमपुरजो में जिनको मिलने का हक है, जिनको मिलने का हक है उनको मैं दिया हूँ। जो तेंदर सीज को तो जो जिनका तेंदर काम करने का जो काबिल है उन लोगों को तो तेंदर पार्टिसिपेट करके मिला हूँ। हमने किसी को माने उसी में सुपरसेट नहीं किया। हम जो लोग मेरे साथ में नहीं है वो लोग भी काम मिला है। यहाँ में मैंने किसी किन्द को मैंने दिया ही नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया। कुछ लोग ने मुझे कहते हैं कि रोदे हुई का लीडरशिप में दुमपुरजो में कोई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं है बोला है। मैंने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया है। आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जितना भी सरकार ने मुझे SIDF दिया, RE दिया, सादा दिया, सॉरी सादा नहीं है, ये आपका नॉन आमतायत पाउंड दिया, नॉन BDP दिया, मैंने जडिशियसली मैंने या मैं डेवलपमेंट किया, लोगों को दिया। मैं अपना किदन किसी को भी नहीं दिया। आप पूछताछ कर सकता है, मेरा कोई ऐसे कुछ नहीं है मेरा। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सबसे पहले सर, योर गुड नेम प्लीज। मेरा नाम सिक्किम युद्धिक, टोपो सिक्किम युद्धिक है। हम या ये दुमपुरजो कॉन्स्टिट्यूंसी से हम बिलोंग करता है या। तो सबसे पहले आपका MPL न्यूज़ को या आके कवरेज करने के लिए मेरा त्रोधवी का टीम का ओर से और मेरा ओर से आप सभी को ते दिल से शुक्र गुजार है। तो सर, इस बार आप रोदेबुई जी से क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ला चुका है जिसका थ्रू आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ये जो हम इंटेलेक्चुअल का हिसाब से देखिए, काफ़ी रोदेबुई ने अभी ये कोरोना काल का उसको नहीं बोलकर 2 ईयर्स का नहीं बोलकर काफ़ी ये 5 ईयर्स में बोलने से 2 ईयर्स जो लेफ्ट हुआ है और 3 ईयर्स का उसका ये काम का जो काज करने वाला को देख के हम एज इंटेलेक्चुअल के हिसाब से काफ़ी सक्सेसफुल मान एक सेटिस्फेक्शन है। क्यों बोलने से हम टोपो सोसाइटी से बिलोंग करता है तो काफ़ी ये हाली रूद का रास्ता को इतना काफ़ी 15-16 माने 20 ईयर्स जैसे लेफ्ट हुआ उसमें काफ़ी ये रास्ता जो ठीक नहीं था। अभी देखो वहाँ में ब्लैक ट्रैफिक हो रहा है तो मेरा एरिया का आदमी को डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही साथ हम लोग जहाँ से वहाँ में गाड़ी से सड़क में आराम से गाड़ी से पहुंच जाता है हम लोग का गाड़ी और जो बाइक वाला मोटरेबल वाला आराम से पहुंच जाता है। पहले ऐसा नहीं था, जो बाइक नया लेने से भी मैंने खराबी हो जाता है क्योंकि रास्ता का सड़क का वजह से प्रॉब्लम का वजह से ये हाल था। इसलिए काफ़ी अभी रोदेबुई को हम लोग ये दोबारा उसको हम लोग एक री एलेक्ट करने के लिए हम लोग ये एक मैंने दिल में ताम लिया कि उसका काफ़ी डेवलपमेंट दुमपुरजो में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ में ADC हेडक्वार्टर में काफ़ी काम किया और देखिए हम लोग का एज ए हम गिटर रूपा सर्कल से बिलोंग करता है
कभी वहाँ में कभी डेवलपमेंट हुआ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ नहीं है। अभी वहाँ काफ़ी रूट कनेक्टिविटी कर रहा है। अभी रूट कनेक्टिविटी करने का बाद अभी उसका ये ट्रांसपोर्टेशन का अभी ठीक ठाक हो रहा है। सेकेंड देन अभी उसको हम लोग रीइलेक्ट करने का बावजूद अभी वहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने देना है और गितरुपा सर्कल को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए अभी हम लोग रोडवी को रीइलेक्ट करना चाहते हैं। उसका जो अच्छा विजन, उसका अच्छा माने ये मान सोसाइटी के लिए, धूमपुरी जो के लिए, हित के लिए वो काम कर रहा है। इसलिए हम लोग एज ए धूमपुरी जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल रोडवी को हम लोग ये है उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी बीजेपी टिकट भी उसको दिया, उसका काम काज को देख के काफ़ी हम लोग सोच रहा था किसी और को टिकट को देगा सोच रहा था, देखा है तो उसका काम काज को देख के अभी उसको टिकट भी दिया। तो इसलिए मेरा तरफ से अपील है रोडवी जैसे वाला आदमी को हम लोग ही इलेक्ट करना है। और हम किसी को लीडर को तो भेदभाव तो देने के लिए मेरा तो हकदार नहीं है, क्योंकि एज ए डेमोक्रेसी कंट्री जो लीडर चच्चा काम करने वाला को हम लोग ही इलेक्ट करना है बोलकर मेरा तरफ से हुई एक धूमपुरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का युवा लोग को हुई मैं मिसेज कन्वे करना चाहता हूँ। जी सर, जी सर, आप बताएंगे कि ये जो है रोडवी में ऐसा क्या क्वालिटी है जो पब्लिक लोग दोबारा इलेक्ट करें? ये होनरेबल हम लोग का जो प्रेजेंट MLA, इसका एक्टिविटीज़ वाई ऑफ दी मीन्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ उसको हम लोग बहुत मैंने पसंद है। इसीलिए मैंने हम एज ए मैंने कार्यकर्ता भी है, इसलिए हम लोग और टिकट भी मिला है, इसलिए हम लोग उसके साथ में जितना भी हमारा 26 ST असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी डुमपुरीजो का इंटेलेक्चुअल मैक्सिमम इधर है, क्योंकि उसको हम लोग चाहता है कि री इलेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। जी सर, सर आप आगे आइए। जी, आप रोडवी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्या वो इस बार जीत पाएंगे? हाँ श्योर है, वो तो जितना ही है इस बार, तो रोडवी का ये जीत तो पक्का है। कैसे करके? कैसे करके वो हम नहीं सकेगा। जी सर, सर आप रोडवी के बारे में? सबसे पहले MPL न्यूज़ को मैं सबसे पहले थैंक यू, आप लोग यहाँ मैं कवरेज कर दिया आज का दिन के लिए। आज तो ऐसे ज़्यादा प्रोग्राम तो नहीं है, बड़ा प्रोग्राम तो नहीं है, जैसे उसका टिकट मिल के आया, BJP टिकट को मिल के आया, उसको रिसीव करने का प्रोग्राम है। तो आज देखा गया तो धूमपुरजो का बहुत काफ़ी यूथ और सीनियर और इंटेलेक्चुअल पर्सन लोग बहुत तारनाप हुआ। उसका कारण बोलने से हमारा MLA ऑनरेबल MLA रोदेबुई सर जो बहुत अच्छा काम किया है धूमपुरजो में गया 5 साल में, पिछले 5 साल से जो 2 साल कोरोना वायरस होके कुछ काम नहीं हो पाने पर भी वो काफ़ी बहुत कोशिश किया वार पुतिन का तरह काम करके, कुछ कुछ एरिया में वो अपना जो अफ्तर मारदे साहब 15 ईयर्स तीनों का बाद जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया उसको काफ़ी पहुँचा दिया। तो इसलिए हम लोग का यहाँ का पब्लिक लोग बहुत दिल चच्चा मन से उसको तारना करके अभी सपोर्ट करने के लिए आगे आया। और साथ में कहा जाता है हमारा धूमपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो मिनी इंडिया है, यहाँ में हर एक ट्राइब का लोग रहता है, उस सब निसी है, गालो है, तागिन है, उसको सब मिल के रहता है, वो किसी कम्युनल कलर कास्ट नहीं देखता है हमारा MLA जो, इसलिए हम लोग वो चीज़ मैंटेलिटी को उसको मैंटेलिटी को हम लोग बहुत अच्छा पसंद करता है। कुछ कुछ लोग उसको बहुत भेदभाव करता है, जो लोग करने वाला लोग उन लोग को इंडिविजुअल सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग का इंटेलेक्चुअल लोग का मानना है हम लोग को इंडिविजुअल इतना ज़रूरी नहीं है, हम लोग धूमपुरजो का फ्यूचर है, हम लोग धूमपुरजो का फ्यूचर के लिए चाहिए, हम लोग धूमपुरजो का डेवलपमेंट के लिए चाहिए। और हम आपका MPL न्यूज़ के माध्यम से हम अपना यूथ कलेक्ट लोग को अपील करता है हमारा दिल से, अगर धूमपुरजो में बदलाव लाना है तो यूथ को बदलना पड़ेगा, कभी पैरासूट लेदर को हम लोग इन्वाइट करते नहीं रहना पड़ेगा, जो सोशल ग्रासरूट से काम करके आया है, ग्रासरूट लेवल से काम करके आया है उसको जैसे भी लेदर बनाना चाहिए, नहीं तो जिसका पास में धन दौलत है, रुपया पैसा है, ऊपर से इन्वाइट करते रहेगा तो हम लोग सोशल सर्विस करके क्या करेगा, हमारे यूथ का बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम धूमपुर जो का यूथ लोग को हम ये MPL न्यूज़ का माध्यम से फिर से हम रिक्वेस्ट करना चाहता है, ये ट्रेंड को ख़त्म करना चाहिए हम लोग धूमपुरजो का मेंटेलिटी में। अभी यूथ लोग आप लोग समझना चाहिए, आप लोग जागना चाहिए, अभी ये सीनियर लोग का बात, धूमपुरजो का हाथ, धूमपुरजो का कमान जो हम लोग का हाथ में आने वाला है यूथ का हाथ में, तो कल को हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होने के लिए हम लोग को ये चलाना चाहिए। और कुछ कुछ जो अभी जो क्रिटिसाइज करके बाहर में घूम रहा है
वो लोग तो इंडिविजुअल इंजॉय करने का आदत हो गया पिछले समय से, इंडिविजुअल इंजॉय करने का आदत हो गया। लेकिन मेरा लीडर जो ऐसे है कि इंडिविजुअल इंजॉय करने नहीं देता है, सबको कॉमन में देखता है, इसलिए उन लोग को हम लोग के साथ रहने के लिए इतना मुश्किल लग रहा है, इसलिए उन लोग को आगे निकाला है। उसका लिए भी मैं कोई खराब नहीं, उसका आदत ही है, उसका ये है। थैंक यू सर।